आईफोन पर पॉकेट पीस नाम का एक नया ऐप आया है जिसे आप जो रोजमर्रा के छोटे मोटे पापों का कन्फेशन इस ऐप की मदद से कर सकते हैं। मतलब दूसरा का मालूम नहीं, राखी सावंत इस पॉकेट पीस से बहुत खुश है। नाइस नो जी, जैसा मेरे जेब में और नहीं था क्या अभी वो आई जस्ट सो दैट दे गेट ऑन गणपति बप्पा ऐप आल्सो यार। वेल आई थिंक राखी इज अगेन शॉट हरसेल्फ इन द माउथ। लेकिन मेरा एक ही सवाल है इस ऐप के बारे में, व्हाट हैपेंस व्हेन योर बैटरी डाइज इन द मिडल ऑफ अ कन्फेशन सेशन? आर यू अब्सॉर्ब्ड ऑफ योर सिंस और नॉट? And how do you know if the priest is listening or not? According to the recent trends of the Roman Catholic Church, confession must be followed by a touch from the priest. Actually, that's the most important difference between this app and going to the confession chamber. Confession chamber mein priest confession ke baad aapko pocket ke paas touch karta hai. Aur pocket priest app mein confession shuru karne ke liye aap khud priest ko ऐसे ऐसे टच कर साला फादर भाई। अब लोग बिन मां के भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। सॉरी वो वाला अलग था, ये वाला अलग है। यानी दो पिता बच्चे पैदा कर सकते हैं। मतलब वैसे पिता होना जरूरी नहीं है। वैसे चमत्कार तब हुआ जब दो चूहों के स्पर्म कंट्रीब्यूशन से एक नया चूहा लैब में पैदा हुआ। यू नो दिस काइंड ऑफ न्यूज मेक्स मी एन ऑप्टिमिस्ट, क्योंकि जब ये साइंटिस्ट लोग चूहे का माइक्रोस्कोपिक लिंग ढूंढ सकते हैं और उससे स्पर्म भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो फिर ये साला कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कसम से, आई मीन इट्स रिडिकुलस। अच्छा अगला जो बैंकों को डेडिकेटेड है जी हाँ, इनफैक्ट आप बोल सकते हैं माधर को भी डेडिकेटेड जी हाँ। स्विट्जरलैंड में इंसेस्ट अब लीगल होने वाली है। मतलब आप चाहे माँ बहन बहू सास बेटी किसी के भी साथ सेक्स कर सकते हैं, आपको जेल नहीं होगी। आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम आई अग्री विथ जॉर्ज बुश, स्विट्जरलैंड माइट बी अ डेंजरस प्लेस टू गो। वैसे स्विस जनता अभी भी खुश नहीं है इस बात से, एक स्विस दूध वाले के हिसाब से बस इतना काफी नहीं है, क्योंकि स्विट्जरलैंड का पॉपुलेशन कम है और उन्हें बहुत समय तक भेड़ बकरियों को चराना पड़ता है। इसीलिए बकरी और गाय के साथ सेक्स करना भी गवर्नमेंट को अलाउ कर देना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। दे आर वॉचिंग टू मच ऑफ पोर्नोग्राफी। साले फार्मविल का भी पोर्नोग्राफिक वर्जन मांग रही है। मोर वियर्ड सेक्स फील्ड न्यूज, इन फैक्ट डाउन राइट डिस्गस्टिंग न्यूज, न्यूज दैट द फेंट हार्टेड शुड नॉट कंज्यूम। आई मीन मैं खुद हिल चुका हूँ, शेल शॉक्ड। देखिए मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। एंड यू नो हाउ डिफिकल्ट दैट मस्ट बी विद ऑल द क्रैप आई टॉक, आई मीन डोंट चोक बट दिस इज ट्रू। चाइना में अब पब्लिशर्स बच्चों के लिए इरोटिक स्टोरीज विद पिक्चर्स वाली बुक पब्लिश करेंगे। ये बुक्स एंशियंट चाइनीज फेरी टेल्स पे बेस्ड होगी। एंड अकॉर्डिंग टू चाइना, स्नो वाइट भी ओरिजिनली एक चाइनीज एरोटिक फेरी टेल कैरेक्टर है जिसका अपने पिता और सेवन ड्वार्फ्स के साथ सेक्सुअल रिलेशन था, और जब स्नो वाइट मर जाती है तब एक नेक्रोफिलियक प्रिंस, यानी वो प्रिंस जो मुर्दे लोगों के साथ संभोग करना पसंद करता हो, उस प्रिंस को स्नो वाइट के डेड बॉडी के साथ प्यार हो जाता है। ये बच्चों के बुक में लिखा जाएगा। ये लोग बैंक स्कूल खोल रहे हैं कि पर्वत ट्रेनिंग एकेडमी खोल रहे हैं? आई मीन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ बंच ऑफ कॉकरोच ईटर्स एनीवे? आई स्वेयर। पर चाइनीज सरकार का कहना है कि ये कहानी उनके देश के लिए आगे बहुत अच्छा इफेक्ट लाएगी। डेड बॉडी के साथ सेक्स करने से बच्चे पैदा नहीं होते, इससे चाइना का पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाए। आई होप चाइना का पॉपुलेशन खत्म हो जाए। ये लोग पागल लग रहे हैं मुझे। एनीवे, टू डाइवर्ट आवर माइंड्स फ्रॉम सच डिस्गस्टिंग थॉट्स, लेट्स स्विच टू अमेजिंग स्टफ दैट आवर व्यूअर्स सेंड अस। व्यूअर मूर्ति ने हमें ये नया करेंसी कन्वर्टर भेजा है। कमाल का है।
a new currency unit conversion scale developed by India. 100 crore is equal to 1 yeddi. 100 yeddi is equal to 1 reddi. 100 reddi is equal to 1 radia. 100 radia is equal to 1 kalmadi. 100 kalmadi is equal to 1 pawar. 100 pawar is equal to 1 raja. And 100 raja is equal to 1 sonia. Mind blowing. अच्छा मूर्ति ये भी लिखते हैं कि सुमित तुम्हारे यहाँ आई मीन टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर महिलाएं बहुत हाई हील्स की वो सैंडल्स पहनती है स्टिल्टोज. डू यू नो दे एक्चुअली चूज देयर हील साइज साइंटिफिकली. वो अपनी एड़ी से घुटने तक का नाप लेती है और उतनी इंचेस की हील्स पहनती है. And the final gem from Murthy. हमारी investigating agencies आजकल investigations भी किसी soap opera की तरह करती है. जैसे कि आपने detergent से कपड़ा धोया लेकिन जहां दाग है वहीं नहीं धोया. Murthy के बाद ये एक और दर्शक है मुर्शिदाबाद के मतलब जहान. हाँ सुन रहे हो टीवी वालों, हमें भी छोटे शहरों के लोग देखते हैं. And guess what? They have pretty big brains. Look at what Jahan has sent as his observation. कुछ लोगों का मानना है कि तहलका का नाम होना चाहिए पंक्चर, क्योंकि उनकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग अब फुस हो गई है. I think Murthy and Jahan deserve another round of applause. जोरदार तालियां हो जाए and a drum roll. SRK अपनी नई फिल्म रावण में G1 का किरदार निभाएंगे. वैसे केजो का कहना है ओ माय गॉड शाहरुख वाज ऑलवेज माय G1. भाई ये G1 क्या है? G फॉर गांडू वन, G फॉर गोट वन, नंबर एक बकरी. G फॉर गे वन, और इज ही एन एलियन? रिमेंबर आवर ओन G1 विथ ETs. देख लीजिए ये. That's what I call good investigative journalism. Not push like Tahalka. Karnataka ke governor ne pichle dino Yediyurappa ke prosecution ko sanction kiya. Mujhe pata tha Yeddi ko gade ki aay lagne wali thi. You can f*** as much as you want, but never f*** with an ass. Dulatti padti hai. Delhi Traffic Police is now working in a doubly efficient manner. Their use of the breath analyzer test has crossed 200% capacity utilization. Whatever that means, huh? I think what it means is that Delhi Traffic Police ke constables breath analyzer test ka double use kar rahe hain. Pehle motorist use karte hain aur phir wo apne aap par hu. Rahul Gandhi ne pichle dino kaha political parties mein democracy nahi hai. What a rare gem. I mean, बहुत कम वक्त ऐसा होता है कि स्टेटमेंट देने वाला और एग्जाम्पल एक ही हो. अच्छा बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन थरकी बुढ़ाऊ पेंटर MF हुसैन की नई पेंटिंग के लिए न्यूड पोज करेगी. यह पहली बार होगा कि कोई कतार में न्यूड खड़ी होगी. अरे यार वापिस इन्होंने वो वाली कतार दिखा दी. अच्छा चलो जोक्स अपार्ट. नाउ आई नो व्हाई विद्या हैज बीन पुटिंग ऑन सो मच ऑफ वेट. हुसैन साहब को अब एक मिनिमम साइज के कम कुछ दिखाई नहीं देता. अपेरेंटली दिस इज व्हाई ही कुडंट पेंट करीना. और इस पर सैफ अली खान का कहना है हे मकबूल दैट्स अ रियल बमर मैन राइट. मैंने भी उसे बहुत दिन से नहीं देखा है इसीलिए आई वॉज होपिंग तुम ये पेंटिंग बनाओ. Okay, I'll be back with some more randomness after this short break. Till then, guys, kuch